बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसनैन एंड वेलकम टू मेगा लेक्चर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनईटी प्रिपरेटरी सेशन, और उसके अंदर हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे ऑफ फिजिक्स पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इन टू एम मीटर वी कनेक्ट। अच्छा, ऐसा है कि हम वी नो दैट वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन टू बोथ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें रेजिस्टेंसेस लगानी पड़ती हैं डिफरेंट कम्बिनेशंस के अंदर। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका यह है कि यू मस्ट नो कि हमें जब भी हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन होता है या सीरीज सर्किट होती है तो कंपोनेंट्स के अंदर करंट सेम फ्लो करता है, और जब हमारे पास पैरेलल सर्किट होता है तो उस केस के अंदर हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस बोथ द कंपोनेंट्स। अब जब भी हम एम मीटर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन एनी सर्किट, तो हम एम मीटर को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं सो दैट वी कैन मेजर द करेक्ट अमाउंट ऑफ करंट। और इसी तरीके से जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो वोल्ट मीटर को हम इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं इन एनी सर्किट। अब आपने इसको ऐसे याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर को जब हम एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक स्मॉल शंट रेजिस्टर की ज़रूरत होती है, और वो हम इसके पैरेलल गैल्वेनोमीटर और उस शंट रेजिस्टर को बेसिकली हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। और इसी तरह अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम एक हाई रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं और उसको गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये अपोजिट रिलेशन है। हम सिंपल वोल्ट मीटर को सीरीज़ के अंदर वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ता है। और वैसे हम एम मीटर को सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल शंट रेजिस्टर को हमें पैरेलल के अंदर लगाना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी होंगी। बेसिकली जब हमारे पास हम दो चीज़ों को गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टर को हम पैरेलल के अंदर लगाते हैं तो हमारे पास दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम हो जाता है, यानी कि वी जी इज़ इक्वल टू वी एस, यानी शंट रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही जो है गैल्वेनोमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब हमें पता है कि सिंपल हमें बाय ओम्स लॉ वी इज़ इक्वल टू आई आर होता है। अब वी जी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो करंट गैल्वेनोमीटर जी में से गुजर रहा है यानी आई जी एंड आर जी होगा। अगर हमारे पास टोटल करंट आई है तो हमारे पास जो शंट रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, आई माइनस आई जी। सिमिलरली फॉर वी एस वी हैव द रेजिस्टेंस ऑफ आर एस। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें शंट रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने की के लिए कहा जाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए ये बता रहा हूँ कि हम शंट रेजिस्टर के लिए हम ये फार्मूला डिवेलप कर सकते हैं विच विल बी आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी एंड होल इज़ मल्टीप्लाइड बाई आर जी। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम शंट रजिस्टर की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। इट इज़ आस्क कि हमारे पास अगर फोटो इलेक्ट्रिक हमारे पास अगर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट फोटो करंट, और फोटो करंट का रिलेशनशिप हमें थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी के साथ हमसे पूछा गया है। तो उसके लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास होता ये है कि हम एक बीम ऑफ लाइट और फोटॉन्स एक बीम ऑफ फोटॉन्स हम स्ट्राइक करवाते हैं किसी मेटल सरफेस पे और उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अच्छा, उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इजेक्ट नहीं होते, और ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव लेंथ होती है वो हमारे पास होती है कट ऑफ वेव लेंथ, यानी कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से नीचे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारे पास वो नहीं आएगा। अब हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाई। अब फाई हमारे पास होता है वर्क फंक्शन। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हो, तो उसके लिए हमें एच एफ को हमें वर्क फंक्शन से एच एफ को जो है हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसके बाद आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। सो फॉर दिस हमें जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास जो रिलेशन आता है वो ये है कि अगर हमारे पास थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड पेंडुलम के मुतालिक है। हमें सेकेंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बतानी है। अगर हमें सेकेंड पेंडुलम का आइडिया है कि सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, तो उस केस में ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। बेसिकली सेकेंड पेंडुलम हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड्स होता है, और इसको अगर हम इसकी सो फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वी नो कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास टाइम पीरियड के साथ इन्वर्स होता है। सो 1/2 विल बी इक्वल टू 0.5 हर्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रांसफार्मर्स, के ट्रांसफार्मर हमारे पास डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट होता है, अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट होता है, या बोथ एसी एंड डीसी पे ऑपरेट होता है, या इन दोनों में से किसी भी नहीं होता। अब हमें पता है कि ट्रांसफार्मर हमारे पास वर्क किस पे करता है। ट्रांसफार्मर वर्क द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन हमने देखी थी कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन मींस कि अगर हमारे पास किसी एक कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो दूसरे के अंदर हमारे पास जो है एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्शन का होता है। अब फ्लक्स कैसे चेंज होती है, जो फर्स्ट हमारे पास कॉइल होती है उसके अंदर वो हमारे पास एक सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्ट होती है। अब जब हमारे पास उसमें करंट चेंज होता है फर्स्ट जो कॉइल होती है, तो उस करंट की वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप हो जाती है करंट के अराउंड। तो जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होगा तो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग कंटिन्यूसली, और जब वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी तो इट मीन्स दैट फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। और अगर जब फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, सो इट मीन्स कि उसके अंदर हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास इस प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। सो दैट्स वाई हमने इसका करेक्ट ऑप्शन जो लगाया है वो अल्टरनेटिंग करंट लगाया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको उनकी रेंजेस बेसिकली याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमारे पास रेंजेस क्या होती हैं। सबसे जो हमारे पास कम वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो सबसे कम वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं उनको गामा रेज कहते हैं। देन हमारे पास एक्स रेज आती हैं, देन यूवी इट मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं, उसके बाद हमारे पास विजिबल रेंज के अंदर हमारे पास वेवलेंथ आती है। देन हमारे पास उससे बड़ी जो वेवलेंथ होती हैं उनको हम आईआर रीजन कहते हैं, एंड देन माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। अब हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो विजिबल रेंज है उसकी वेवलेंथ क्या है, तो उसकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 370 और 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर होती है। लेकिन क्योंकि ये आर्मस्ट्रांग में गिवन है तो नैनोमीटर को हम आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करने के लिए 10 से हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। दैट्स वाई वी गेट 3900 टू 76,000 आर्मस्ट्रांग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, कि हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज जो है वो किस फिनोमेना का इन्वर्स होता है। तो नीचे जो ऑप्शंस हैं अगर हमें उनका आइडिया हो जाए तो हम इजीली गैस कर सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज क्या कैसे होती है, हमारे पास एक्स रेज के अंदर ये होता है कि हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसी भी एटम को स्ट्राइक करके उनके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। जब वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके उस इनर शेल के अंदर चला जाता है।
तो जब वो इनर शेल के अंदर जाता है तो उससे हमारे पास क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको वो रिलीज़ करता है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज इमिट होती है। तो ये हमारे पास एक्स रेज की प्रोडक्शन क्या है। अब अगर हम नेक्स्ट जो फिनोमेनास हैं उनकी तरफ चलें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं हमारे पास एक इस पे मेटल सरफेस पे, और उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं एंड वी गेट अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास ये इट मींस कि हमारे पास एक्स रेज के अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास रेडिएशन इमिट हो रही थी, और अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर रेडिएशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। सो इट मींस कि एक्स रेज जो है वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वर्स है। बाकी कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट फिनोमेनास हैं। बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हमारे पास स्कैटरिंग होती है हाई फ्रिक्वेंसी फोटॉन्स की बाय अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स, और उससे वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है, और जब एनर्जी लूज़ करता है इट मींस कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटॉन होता है उसकी, और जब फ्रीक्वेंसी उसकी रिड्यूस हो जाती है इट मींस कि उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द न्यूक्लियर रेडिएशन। बेसिकली इसके अंदर एक इक्वेशन गिवन है कि हमारे पास एक कार्बन का आइसोटोप था C614, और उसने हमें दिया एक नाइट्रोजन का आइसोटोप N714, और प्लस एक उसके साथ एक्स बायो प्रोडक्ट आया। तो इसके अंदर पूछा गया कि बायो प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो क्या है। हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास सिक्स है वो C6 है, सिक्स मीन्स उसका एटॉमिक नंबर, और 14 जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास है। तो अब हमें बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में अगर हमें पता हो तो हम इसका आंसर काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। बेसिकली बीटा पार्टिकल्स वी नो कि हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जिनके अंदर दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली पॉजिट्रॉन जो है वो हमारे पास एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विद सेम मास एंड अपोजिट चार्ज, एंड न्यूट्रॉन वी नो दैट इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो जो हमारे पास इसका एटॉमिक हमारे पास नंबर है वो इट इज़ इंक्रीज बाय वन। तो वो सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब आप पास जो बाय प्रोडक्ट है वो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो या एक बीटा पार्टिकल हो। सो बीटा पार्टिकल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन अबाउट द रेडियो एक्टिविटी बेसिकली, और रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमारे पास ये है कि हमारे पास उसने पूछा है कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑब्जर्व होती हैं वो हमारे पास क्या होती है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स आर नॉट द रेडिएशंस, राइट। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। सिर्फ जो हमारे पास गैमा रेडिएशंस होती हैं, इट्स नॉट गैमा पार्टिकल, गैमा जो होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। सो गैमा रेडिएशंस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड्स अप द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। इसमें वो ये कह रहा है कि लेट सपोज कि एक बंदा है वो एक स्विंग के ऊपर बैठा हुआ है और फिर वो सडनली उस स्विंग से उठ जाता है, तो आप बताएं कि उसकी जो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस हैं उसके ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नो कि हमारे पास जो ये स्विंगिंग जो स्विंग है वो इट्स सॉर्ट ऑफ अ पेंडुलम, तो जब वो पर्सन खड़ा हो जाता है तो उस पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है बिकॉज उस पर्सन की जो हाइट है वो उसकी लेंथ में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो उसकी अगर लेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अब लेंथ अगर रिड्यूस हो रही है तो इट मीन्स कि उसका जो टाइम पीरियड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी हैव एन इनवर्स रिलेशन विद टाइम पीरियड। सो अगर टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज व्हाट अबाउट द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अ सर्टेन बॉडी ऑफ मास
m is placed on a horizontal surface moves down the inclined plane, then the downward component of the weight is. तो हमारे पास जो downward component होता है weight का इस case के अंदर, ये हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास एक inclined plane है, लेट अस से हमारे पास एक inclined plane है और उसके ऊपर एक हमारे पास object जो है वो it is moving downward. तो इसके जो weight है उसका उसका जो component है वो हमारे पास कौन सा होगा. तो इसका जो सिंपल वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. अब इसकी हमारे पास बेसिकली दो कंपोनेंट्स माने, एक ये कंपोनेंट है हमारे पास जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो उसको मूव करवा रहा है, एंड द अदर कंपोनेंट इज़ दिस वन. तो अब जिसकी वजह से हमारे पास इसका मोशन हो रहा है जिस कंपोनेंट की वजह से, वो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन जो जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो हमारे पास होगा एम जी साइन ऑफ थीटा. So moving towards the next question is basically the next question is about the projectile motion. कि जब हमारे पास कोई body projectile motion कर रही है तो उस case के अंदर हमारे पास जो velocity का vertical component है उसके ऊपर क्या effect पड़ेगा. तो हमें पता है कि हमारे पास projectile motion होता क्या है. projectile motion ऐसा motion होता है जिसके अंदर body जो है is moving under the action of gravitational force, और ये एक two dimensional motion होता है. अब इसकी जो horizontal component of velocity है इसके ऊपर horizontally कोई force नहीं लग रही होती, फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है जो कि डाउनवर्ड होती है. इट मींस कि ओनली वर्टिकल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. तो अगर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इट मींस कि उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का इट विल नेवर चेंज. तो फोर्स सिर्फ वर्टिकल एक्ट कर रही है इट मींस कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा. अब जब भी आप किसी बॉल को या किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऊपर थ्रो करते हैं, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो फॉर अ लिटल मोमेंट उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाता है. इट मींस के इनिशियल जो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो डिक्रीज होता है एज इट इज़ गोइंग अपवर्ड, एंड देन इट अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज. तो जो जब वो प्रोजेक्टाइल ऊपर की जानेब मूव कर रहा है तो इट मींस कि उसकी जो वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इन डिक्रीज होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हीट फ्रॉम द सन. कि हमारे पास अगर सन से जो हीट आ रही है वो किस मेथड से आ रही है. तो वी नो दैट देयर आर थ्री प्रोसेसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन. कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है बाय द ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड, और कंडक्शन के अंदर हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट, और रेडिएशंस के अंदर हमारे पास हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो हमारे पास जो सन से हीट हमारे पास अर्थ के ऊपर आ रही है वो हमारे पास इट इज़ कमिंग थ्रू रेडिएशंस, और रेडिएशंस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है इट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. जो हमारे पास सन का टेम्परेचर है और जो अर्थ का टेम्परेचर है, उन दोनों की टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसकी वजह से रेडिएशन के थ्रू हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सन टू द अर्थ. Now the next question is about the fundamental forces of nature. Basically हमारे पास चार different किस्म की fundamental forces of nature हैं, जिसके अंदर हमारे पास न्यू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है. अब इनकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वी कैन, अगर हमें याद नहीं भी है कि कौन सबसे स्ट्रांग है, तो इनकी जो ग्रेविटेशन, अब इनकी जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, लेट अस सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर. ये याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो सबसे स्ट्रांगेस्ट हैं और सबसे शॉर्ट रेंज है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंपेयर करते हैं. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है एफ इजल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर. अब हमारे पास जो के की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 9 × 10⁻⁹ पॉजिटिव 9, और जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है इट इज़ इन 9 × 10⁻⁻ आई गेस -11 और समथिंग लाइक डैट. तो जो हमारे पास जी है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एफ सॉरी के. सो दैट्स वाई जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होगी. सो दिस इज़ हाउ आप इसको टेस्ट के लिए याद रख सकते हैं
कि हमारे पास कौन सी वीक जो होगी वो जो कौन सी फोर्स जो है वो वीक होगी और कौन सी फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रांसवर्स वेव्स. उसकी वेलोसिटी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड वी वांट टू फाइंड इट्स वेवलेंथ. तो वेवलेंथ हम सिंपल जो वेव इक्वेशन है उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से. और हमें पता है कि हमने अगर लैम्डा फाइंड करना है सो इट विल बी वी ओवर एफ. वी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी इज अगेन 100 हर्ट्ज, सो वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये प्रिटी इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम. इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जिस मीडियम के अंदर हमारे पास लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी नेचर के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास डिपेंड नहीं करती. तो इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फार्मूला क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास होता है n इज इक्वल टू c ओवर v. c मीन्स कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम और v मीन्स कि उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है. तो अब हमारे पास यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. इस केस में हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है. वी नो दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो इट मीन्स कि आपकी वेवलेंथ भी डिपेंड कर रही होती है, वेलोसिटी भी डिपेंड कर रही होती है, उसका एम्पलीट्यूड भी डिपेंड कर रहा होता है. ओनली द थिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इज फ्रीक्वेंसी. सो द राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का हमें फार्मूला आना चाहिए. बेसिकली वी नो कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाई सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. जबकि ए जो है हमारे पास एरिया होता है उसका, डी जो होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है. सिमिलरली अगर आपके पास जो अगर आपके पास देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, सो वी राइट द फार्मूला एज ए सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी. इट मीन्स कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एरिया के और इनवर्सली रिलेटेड है बिटवीन टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. और इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है अक्सर कि डायलैक्ट्रिक को अगर हम इंसर्ट कर दें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो उससे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो सी इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिलेटिव परमिटिविटी एज वेल. सो इट मीन्स कि अगर हम डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू भी हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाएगी. So moving forward to the next question, in parallel combination of resistance, equivalent resistance will be. We must know the formula कि parallel combination है तो हमारे पास equivalent resistance का formula क्या होता है. 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. अब इसको अगर आप rearrange करके देखें तो you will see कि जो R equivalent है वो हमेशा it will be less than the smallest resistance. सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आंसर ऑप्शन ए है. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर. अच्छा, अब रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर हमें इसके अंदर जो करंट फ्लो है उसका फिनोमेना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दे आर मूविंग रैंडमली. अब हमारे पास जब हम उस केस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो ज़्यादा हो जाता है. इट मीन्स उनकी जो कोलिजन है वो ज़्यादा हो जाती है और जब उनकी आपस की कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनमें जो करंट है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. बट टेम्परेचर डिपेंडेंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं है. सेमीकंडक्टर के अंदर वी हैव अ वैलेंस बैंड एंड अ कंडक्शन बैंड. एक हमारे पास एम्प्टी वैलेंस बैंड होता है और हाफ फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है एंड देयर इज अ बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप जो जिसे हम ईजी कहते हैं बिटवीन दीज टू बैंड्स. अब जो हमारे पास करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्शन बैंड. अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को
हीट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को हम टेम्परेचर देते हैं, इट मीन्स वी आर गिविंग एनर्जी टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस बैंड गैप को क्रॉस कर जाते हैं। जब वो इस बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाते हैं तो इसके अंदर करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स कि टेम्परेचर देने से हमारे पास करंट फ्लो इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज होती है एज वी गिव टेम्परेचर टू द सेमीकंडक्टर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मोशनल EMF। इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है कि हमारे पास एक जो एक 3 meter लेंथ का हमारे पास एक रॉड है जो कि मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 meter इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 tesla, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है, इजियर टू VBL, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो हमें ऐसा यूनिट्स के अंदर गिवन है, लेंथ हमें सेंटीमीटर्स के अंदर गिवन है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 10⁻²² हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे। सो वाइल प्लगिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 0.06 volt। सो दिस वॉज द यू कैन से इंड्यूस्ड EMF इन दिस केस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है और मैक्सिमम हाइट है उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए अगेन अगर हमें फार्मूलाज पता है, मैक्सिमम रेंज और हाइट के अगर फार्मूलाज पता है तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। वी नो कि हमारे पास रेंज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है R इज इक्वल टू साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमें पता है कि रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा हमारे पास 45 degree होगा, साइन थीटा 90 होगा, साइन 90 हो जाएगा और साइन 91 होती है, यानी मैक्सिमम रेंज की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है VI² डिवाइडेड बाय जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हाइट, हाइट का फार्मूला क्या है, हाइट का फार्मूला है हमारे पास VI² साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2G। अब इसके अंदर जब हम थीटा को 90 degree पुट करेंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम हाइट, एंड मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू VI² ओवर 2G। अब हमने ऊपर देखा है कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज क्या है, वो हमारे पास है VI² ओवर जी। तो वी कैन पुट इट लाइक दैट, इट मीन्स कि मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाई 2, और इसको रीअरेंज करें तो मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू 2 times मैक्सिमम हाइट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं कि हमारे पास इसके ऑप्शंस क्या हैं इस केस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं R max = ½ of H max, R max = 2 times H max, R max = H max एंड नन ऑफ दिस। तो द राइट आंसर विल बी R max = 2 times H max। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। अब बाकी ये जो हमारे पास सेशन था इसके अंदर हमने कोशिश की कि डिफ़िकल्टी लेवल को लो रखा जाए। इन द कमिंग सेशंस वी विल मूव फॉरवर्ड विद द डिफ़िकल्टी लेवल एज वेल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।